हाय गाइस, वेलकम टू द रेसिपीज़ पूजा दी। आज हम वर्मसिली बना रहे हैं, जिसे सेवियां भी कहते हैं, वेरी हेल्दी। वर्मसिली या सेवियां बनाने के लिए हमने 2 गिलास पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा गर्म होते ही इसमें हम अपनी वर्मसिली मूव कर देंगे। इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी वर्मसिली फूल नहीं जाती। गाइस, हमारी वर्मसिली बनकर रेडी हो गई है। ये इस तरह का उसका टेक्सचर आया है और इसको अब हम छान लेंगे। गाइस, मैंने भाई इसका पानी निकाल दिया है, उसके बाद इसका इस तरह का टेक्सचर आया है। ये आपस में चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए हमने बीच में थोड़ा सा घी डाला था, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी तरफ हमने ये इन्ग्रीडियंट्स काट लिए हैं। हमने प्याज लिया है, लहसुन लिया है, ब्रोकली है हमारे पास, गाजर है, बीन्स हैं और शिमला मिर्च है, और साथ ही हमने कुछ मटर उबाल लिए हैं। हमने एक तरफ कढ़ाई रख ली है और इसमें थोड़ा सा घी डाल लिया। आप किसी भी तरह का ऑयल ले सकते हैं, देसी घी, ऑलिव ऑयल, हमने ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है। घी गर्म होते ही हम साथ के साथ इसमें थोड़ी सी राई ऐड कर देंगे। हमने 1 चम्मच राई ली है, साथ में ही हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये सब कुछ स्वाद अनुसार डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, प्याज और लहसुन। साथ ही हम गाजर, ब्रोकली, शिमला मिर्च और बीन्स, सारा मटेरियल इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मटेरियल को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा कच्चा ही रखेंगे, ताकि ये मुंह में आएगा तो और भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे। ये हमने थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सामान अभी कच्चा ही है और इसमें हम वर्मसिली अपनी बनी हुई जो हमने साइड में निकाल ली थी, ये सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड कर लेंगे ताकि इसका कलर आ सके। अब इसमें धनिया ऊपर से डाल देंगे। हमारी वर्मसिली रेडी है।